नमस्कार आदाब भाई, रूबरू कहते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर से। हम आपको बता दें, कोतवाली जानसठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज ग्राम गढ़ी के अंदर 21 मई की सुबह से लापता युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। हम आपको बता दें, जैसे ही खेत के अंदर एक लाश पड़ी मिलने की सूचना मिली, ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। ग्रामीण और पुलिस खेत को छानती रही और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक युवक की लाश पड़ी है, लाश की शनाख्त जब की गई तो जावेद उर्फ भूरा सन ऑफ मेहंदी हसन 30 वर्षीय युवक की लाश बताई गई। हम आपको बता दें कि जावेद उर्फ भूरा 21 मई की सुबह से अपने घर से लापता था, जिसके परिजन काफ़ी तलाश कर रहे थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। और आज जैसे ही प्रातःकाल ये लाश मिली, क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। लाश जावेद की हत्या कर उसके मुंह पर तेजाब भी डाला गया है, सनसनीखेज और ये वारदात हुई है। इसके साथ साथ हम आपको चित्र नहीं दिखा सकते, क्योंकि लाश को बुरी तरह से जलाया भी गया है तेजाब डालकर। और आप देख सकते हो तस्वीरें कि आज ग्रामीण तथा पुलिस ने बरामद की है इस लाश को, जिसके अंदर मृतका की पत्नी द्वारा तीन लोगों को नामजद कराया गया है, जिन्होंने तीन लोगों के खिलाफ तहरीर देकर पुलिस ने भी मामला तत्काल दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, और कोई मामला तो नहीं, पुलिस इस पर भी कार्य कर रही है। नवागत प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह अभी कुछ दिन पूर्व ही जानसठ क्षेत्र में आए थे, इससे पूर्व यहां पर एक लूट हो गई थी, और आज इस घटना के बाद पुलिस को काफ़ी मशक्कत और टेंशन तनाव में देखी गई। काफ़ी मशक्कत आज पुलिस को दिन भर करनी पड़ी है, लेकिन तहरीर आने के बाद हम आपको बता दें कि जितेंद्र पुत्र यशपाल, नितिन पुत्र रामफल प्रजापत्री और आबिद के खिलाफ ये तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है। और जो नवागत इंस्पेक्टर हैं दिनेश सिंह, उन्होंने भी दावा किया है कि शीघ्र ही इसका खुलासा भी किया जाएगा, और भी कोई मामला यदि सामने आता है तो दोषियों को किसी रूप में भी बख्शा नहीं जाएगा। हम आपको बता दें कि दो दिन से लापता था आबिद, ये जावेद उर्फ भूरा, और आबिद जावेद उर्फ भूरा में की हत्या में जो नामजद कराए हैं जितेंद्र, नितिन और आबिद। हम आपको बताएं कि कोतवाली थाना क्षेत्र जानसठ के ग्राम गढ़ी के अंदर यशपाल के भट्टे को ठेकेदारी पर नितिन पुत्र रामफल प्रजापति ने ले रखा था, और यहां पर ईंट भट्टा का कार्य जारी था। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आबिद के ट्रैक्टर पर मृतक कुछ दिन पूर्व ही काम करने के लिए आया था। ये भी बताया जा रहा है कि घटना के दिन फ़ोन पर काफ़ी गाली गलौच और तू तू मैं हुई थी, धमकी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं परिजनों द्वारा, लेकिन ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है कि जांच कहां तक पहुंचती है और जांच में क्या सामने आता है। लेकिन फ़िलहाल तीन लोगों को इसमें नामजद किया गया है, जिसमें जितेंद्र, नितिन और आबिद। इसके अलावा पुलिस, भारी पुलिस बल मौके पर तथा दूसरे सबूतों के लिए जुटी हुई है, क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई है। इसके साथ साथ घटना की सूचना पर तत्काल एसपी आरए मौके पर पहुंचे, डीएसपी शकील अहमद मौके पर पहुंचे, और उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहरहाल इस बड़ी वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। लोगों ने मांग की है कि तत्काल दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बने रहिएगा मेरे साथ और बड़ी खबर के लिए अपने पसंदीदा चैनल बार और बेंच लाइव न्यूज़ चैनल पर। दूसरी ओर आइए ले चलते हैं एक और अहम खबर। हम आपको बता दें, जानसठ बार से ही जुड़ी हुई है, और जानसठ कचहरी के अंदर कार्यरत स्टाम्प विक्रेता सुभाष वाल्मीकि पद यात्रा पर निकल चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने आज अपनी पदयात्रा शुरू की है, और वो शीघ्र ही भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया है। पैदल वो पहुंचेंगे दिल्ली। क्या कहा उन्होंने, आइए सुने उन्हीं की जबानी। क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष चंद्र भारती वाल्मीकि जी। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कस्बा जानसर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से पद यात्रा करके अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट के लिए, उनके दर्शन के लिए नई दिल्ली जा रहा हूं उनके आवास पर। इसके लिए आपने समय मांगा किसे? मैंने अवगत करा दिया है पीएम कार्यालय को हर तरह से। तो आप पूरी दिन पहले तो पद यात्रा करेंगे पूरी? जी जी, पद यात्रा पैदल ही जा रहा हूँ। पैदल जा रहे हैं जी, जी। कोई खास मांग है तुम्हारी? मेरी कोई खास मांग नहीं है, ये सामाजिक और राजनीतिक जो आबो हवा चल रही है इससे अवगत कराना है, और भाजपा की आज क्या स्थिति है उससे भी प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना है। और मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर से, मोदी जी से टिकट की मांग करूँगा मुजफ्फरनगर भाजपा से। क्यों, आपके समाज को टिकट नहीं मिला कभी? यहाँ नहीं मिला, तो इसलिए जा रहे हो? जी जी। तो आप सक्षम है चुनाव लड़ने में? जी जी सक्षम हूँ, जब मोदी जी का हमारे वरद हस्त मेरे सिर पर हो जाएगा तो मैं सक्षम हो जाऊंगा अपने आप। तो क्या है तुम्हारा मार्ग, किधर से कहां से कैसे जा रहे हो? मैं यहां से मुजफ्फरनगर शिवजी मूर्ति को होता हुआ जाऊंगा। हाँ। और उधर से खतौली को, मेरठ को निकलता हुआ दिल्ली जाऊंगा। ठीक है ठीक है, चलो मैं सादर प्रणाम करता हूँ सभी जनता को, आप सभी दुआएं करें मेरी इस यात्रा में कोई विघ्न पैदा ना हो, सुख शांति से मेरी यात्रा संपन्न हो जाए। ठीक।